ऐसा YouTube वीडियो कभी बनाना नहीं जहाँ मेरा शक्ल नहीं आएगा। अच्छा, ये और ये दो तीन ठो करी भूखे थे, रौनक उस दिन भी आ चुके हैं। पूरा हमारे स्कूल बचपन का स्कूल, हम जो वहाँ से बुकना होगा अभी। सो ये नीचे देखिए गाइस, और ये तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। वी आर हियर, ये जो कैंपस है जो काम करने वाला लगा। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी अनित सुयुन एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम आए हैं हमारे गांव, जो कि हमारे घर पे ही हवरी हो रहा था, जो कि अपने दोस्त लोग को बुला के लाए थे हाईलैंग से इतने दूर हमारे गांव पर। हमारे गांव एक्चुअली कहने को तो हम खुद से तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, पर हमारे दोस्त लोग जो कि कह रहे थे कि बहुत दूर है आपका गाँव, तो हमारे ये कुछ दोस्त लोग जा रहे हैं। हेलो करो, हेलो करो, चेक चेक गाइस, लाइक ठोक दो ना, सब्सक्राइब कर दो, सब लोग हेलो करो, हेलो सब लोग, हेलो करके जाओ सब लोग, सब लोग मतलब हेलो सब लोग, हेलो करो सब लोग। विनन, ऐसा YouTube वीडियो कभी बनाना नहीं जहां मेरा शक्ल नहीं आएगा। अच्छा, तो आ ही जाए सामने दो दो यूट्यूबर ना। हम तो ऐसे बस नाम का यूट्यूबर है, असली यूट्यूबर तो ये है। तो इसका गांव जाके काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन वापस नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। यही ऐसे मतलब ऐसे अशुभ बर ना करो, ऐसे अशुभ बर होते हैं। ठीक है, तुम मतलब फ्री ऐसे बुला, ऐसे पार्टी करने के लिए बुलाएगा तो आ जाएगा, लेकिन काम के सामान सामान के लिए मत बोलो यार। तुम आ रही तो गाइस, ये एक यूट्यूबर है, कहाँ से बिलोंग करते? मैं तो लौटूर से हूँ। लौटूर से तौशिक ना? हाँ, ओएम से हो तौशिक? हाँ। तो इसका चैनल का नाम है ओमेंसो तौशिक। तो आप लोग ओमेंसो तौशिक आप लोग जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। मैं भी इसे थैंक यू कहना चाहता हूँ फ्री का प्रमोशन कराने के लिए। अरे हेलो, वेलकम टू माय YouTube चैनल। ओए ये क्या, ये क्या जानते हैं, ये जमाना का भूली है। अच्छा, हेलो हेलो, पीछे कोई है? हाँ। अरे अच्छा, ये लास्ट था, ये लास्ट में आए थे। तो आप लोग बने रहे, आप लोगों को पूरा हमारे गांव के व्यू तो नहीं दिखा पाया मैंने, अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि आगे से हमारे पास टाइम नहीं थे, जो कि हमने कुछ ये हवरी बनाने का प्लान किए थे, तो उसी में हम बिजी रहे दिन भर, घर से शायद दो तीन दिन से बिजी थे हम। तो हेलो गाइस, आफ्टर 3 डेज के बाद हम फिर ब्लॉगिंग बना रहे हैं हमारे गांव पर। ये है हमारे गांव, और जैसे कि आप लोग ने देखा, हमने 3 दिन पहले अपने गांव पे हवरी किए थे जो अभी सीमेंट का, तब समय में ब्लॉग नहीं बना पाया पूरा फुल वीडियो, लेकिन आधा तो बनाए थे। जब हम गांव से होकर गुजर रहे थे वापस हाईलैंड, तभी हमने ब्लॉग बना लिए थे, स्टार्ट कर लिए थे। सो उसके बाद 3 दिन के बाद मैं फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ। सो अभी ये देखिए, जिन्होंने भी ये हवरे लगाए थे तो इतना आए थे, उसी 22 आदमी थे तो इतने आए थे, और आधा जो कि रोड आया है वहाँ पर रखे हैं, रोड जो कि सीमेंट जब लगाते हैं ना तब काम आते हैं टंकी में। सो इतने आए हैं हमारे हवरे किए थे तब, सीमेंट बहुत काफ़ी है इतना। और आज हम फिर से, और ये दो तीन ठो करी भूखे थे, करी भी भूखे आए थे शाम को, और आज हम फिर भूखने वाले हैं। अभी हम आपको पूरा भूखे दिखाएंगे आज, तो पूरे मतलब हमारे दो दोस्त आए हुए हैं तो उनको भी ले जाएंगे, और दो नहीं, एक बहन और एक जीजाजी है, उन दोनों को भी साथ में ले जाएंगे, और साथ में ब्लॉगिंग बनाएंगे एकदम मज़ा से गाइस। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये रहा हमारे घर, तो अब हमने अपना घर का टूर तो करवा दिए थे, तो आप लोग ने वो उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप लोग उसी वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, और मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना। सो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड रौनक गम। सो ये हमारे गाँव आए हैं कल, और ये
रौनक उस दिन भी आ चुके हैं जो कि हमारे कुछ काम किए थे बेटी लेने में। अच्छा होगा। हाँ तो कर आगे कैसे लगा? और कर इन्होंने एक बैग बुके है साइज में जो और ये बहन भी आए हैं और नाना दोस्त हम भी आए हैं तो और छोटा क्लासिक लगता है कि आओ कल लगा रहे प्लास्टिक एक तो ये एक थोलो और यहाँ भी एक थो है। तो अभी हम निकल चुके हैं काम की ओर और ये रहा कुछ ठंडा और उसी को हम रास्ते में रख के जाएंगे ताकि बाद में आके हम पी सके और रुक के पी सके, मतलब जहाँ पर रुक के पीना होता है ना तो थोड़ा एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए होता है, सो उसी के लिए ये पावर लिए और लीची आधा। सो अभी काफ़ी धूप निकल चुके हैं आधे तक तो हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, फिर हायुलंग वापस जाना है हमें, वापस हायुलंग की ओर लौटना होगा आसी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, कल से दुर्गा पूजा शुरू है। सो है गाइस, सो आज मैं उस दिन जब मैंने दिखाया था एक वाले वीडियो पर जब हमने कुछ दिन पहले बनाए थे वीडियो तो उसी के से हम वहाँ से थोड़ा वीडियो दिखाए थे जो कि हमारे स्कूल का, ये देख सकते हो ये हमारे स्कूल अभी हम पहुँच चुके हैं क्योंकि एक्चुअली ये हमारे स्कूल का वीडियो बनाने नहीं वाला था तो कि अभी यहाँ से जाके गुजर रहे थे तभी स्कूल से गुजरना होता है तभी हम आ गए यहाँ पर, वो रहा हमारे स्कूल बचपन का स्कूल। सो हमारे स्कूल क्लास 5 तक है, चलो आगे चलो। क्या पी रहा है? लीची। और ये हैंडसम नाना, नाना सुमनिन अभी लंग से आए हैं करके, ये जीजा जी। सो वो एक ब्लॉगर है, ये रौनक गम ब्लॉगर। वाह, हम जो वहाँ से बुकना होगा अभी ये खेती देख रहे हो उस पार के नीचे एक रोड मिलता है जो कि हमारे गांव तक रोड बनने जा रहा है जो कि अभी तक फिलहाल बना नहीं है, तो वो ये वाले जब ये पार का पार करोगे तब एक रोड मिलेगा, सो वहीं से होकर हम उठा के आने वाले हैं यहाँ, वहाँ से लेकर फिर एक तो गांव पहुँचता है, दो तीन तो घर है गाँव है वहाँ पर और उसके बाद ऊपर ऊपर आके यहाँ से आकर एक तो वो वहाँ से आकर यहाँ में आना होता है, ये रोड पहुँचता है। सो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है गाइस हमारा, सो अभी काफ़ी आगे निकल चुके हैं ये लोग, थोड़े दूर चल लिए हमने। रास्ता ऐसे होता है गाइस हमारे गांव का रास्ता, और ये कुछ नाला आ रहे हैं जो कि हम लोग यहीं से पानी पीते हैं जब ऊपर से पाइप लगा के। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए गाइस, ये रास्ता है क्या गाइस? इसको रास्ता बोलते हैं क्या? कोई बताएगा हमें ये रास्ता है या क्या है? और इससे भी खतरा रास्ता वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा गाइस, जिसे हमें चलने के लिए बहुत ही कठिन लगते हैं, बहुत ही तकलीफ लगते हैं, जिसे हमारा पैर काँपने है पैर और हमारी रूह काँपने लगते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर, ये रास्ता नहीं है, ये एक वो है मौत का कुआं है जिसे आप लोग कभी चल नहीं सकते। ये देखिए सामान बुके आराम हाथ खाली हाथ से तो आराम से चल सकते हैं लेकिन जब सामान के साथ चलना होता है तो बहुत ही तकलीफ होता है। ये देखिए ऐसे भी पकड़ना पड़ेगा ऐसे, ये यही जगह पर ऐसे और इतना छोटा जगह पर। ओह माय गॉड, ये नीचे देखिए, ओह माय गॉड, सबसे खौफनाक तो मैं अभी दिखाऊंगा अभी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोये रोड, जिसे हम रोड नया बना रहे हैं, और नीचे देखिए गाइस ये क्या रास्ता है जो नया रास्ता कटिंग कर रहे हैं वो ऐसे। ये देखिए गाइस यहाँ पर छोड़ दिए हैं वो लोग, अभी कटिंग ही नहीं चल रहा है, हम देख रहे हैं 10 दिन से यहीं पर ही पड़ा हुआ है, मतलब इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। सो ये नीचे देखिए गाइस, और ये हमारे रास्ता ऐसे ऐसे गुजरना पड़ता है, यहाँ से होकर जाना पड़ता है, ये रास्ता है गाइस। तो
So hello guys, welcome back to my channel once again. We are here. ये जो कैंपस है जो काम करने वाला लोग का वो जगह में हम लोग यहाँ में ठहरे हुए हैं फिलहाल. तो यहाँ में सीमेंट हम लोग लोड कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना सकेंगे क्योंकि गांव बहुत ऊंचा है और रास्ता भी बहुत ख़राब है. रास्ता को तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बुक रहा होगा तब समय, और एक हाथ में पेड़ लोग को पकड़ के चलना पड़ता है. उपाय नहीं, आप लोगों को दिखा नहीं सकता, नहीं तो मोबाइल पकड़ के दिखा देना था. रास्ता बहुत ख़तरनाक है. तो हमने अभी पूरे तैयार कर लिए वापस घर की ओर जाने के लिए. तो अभी तक नाना सो ये तैयार कर रहे हैं, और ये रौनक का सामान, रौनक का लोड है, और ये मेरा लोड है, एंड यहाँ पर बहन है. क्या क्या फूलों का तारों का मेरा बहन है. और ये रौनक गाना गा रहा है जो कि रेडी हो चुके हैं जाने के लिए. सो ये रहा मेरा सामान, और मैं अभी बुक रहा हूँ. नाना सब वहाँ पर हंस रहे हैं हमें देख के. ऐसे ही ख़राब रास्ते है गाइस, जहाँ पर हमें चेपने का जगह भी नहीं मिलता. और क्या बताऊँ, यहाँ का रास्ता का कंडीशन है, और ये खौफनाक है, जैसे हमारे रूह कांपने लग जाते हैं जब यहाँ पर हम चलते हैं. क्या जाइए ना, गाइस तो मैं अभी यहाँ पर रुक रहा हूँ, बहुत ही थक चुका हूँ, पूरा पसीना देख सकते हो आप सब. एंड गाइस वो रहा मेरा लॉट, एंड ये रहा ये कुछ पावर, और हम इन्हें पीने के लिए रखे थे यहाँ पर, अंदर में छुपाए थे. और भी है जो वो लोग के लिए बचाया है, तो मैं ये पी रहा हूँ एक सौ, और ये पी के डायरेक्ट गाँव जाऊँगा. यहाँ से थोड़ा थोड़ा मेरा गाँव दिख रहा है, और गाइस मेरा गाँव का व्यू है वो दिख रहा है आप लोगों. ये है मेरा गाँव, ये प्लेन जगह. तो अभी हम वापस घर पहुंच गए हैं हम अकेला, और वो लोग रास्ते पे जा रहे थे. और ये रहा सीमेंट, हमने इधर रख दिए है, और अभी घर पहुंच गए हैं. फिर ऊपर घर में कुछ रेस्ट करते हैं. तो हेलो गाइस, तो अभी हम अपने गांव के थोड़े से नीचे पर हम ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये ब्रिज बहुत ही लंबा है. और वहाँ पर देखिए गाइस, वहाँ पर बहुत ही लंबा है, वो नाना तो मुनिन वो आगे चल चुके हैं, एंड अभी हम चलने वाले हैं. तो पीछे में भी आदमी है, एक तो बहन एक तो रौनक गम. चलो आगे आगे चलो, ये भी आगे चलो, नहीं आया. सो गाइस तो अभी हम पहुँचे हैं, और बाय क्रॉस गए हैं, यतुंग पहुँच गए हम. और अभी इन लोग मतलब हमारे पार्टनर्स लोग, वो लोग मतलब मेरे गाँव के रास्ते पर पैदल चढ़ के भी उसको थकान महसूस नहीं हुआ है, फिर भी बोलता है गाड़ी मिल नहीं रहता एक्चुअली. तभी ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से हरिंग तक पैदल चलते हैं, ताकि रास्ता में कभी गाड़ी मिल भी सकता है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है. तो उसी के लिए तो ये लोग पैदल जाने के लिए राजी हो गए. तो अभी हम लोग को गाड़ी मिल चुका है, फिलहाल एक गैर मिला है रास्ते पे थे, और पैदल चल के या तो मुझे थोड़ी थक गए, गाँव से पैदल चलते हैं. कहाँ ले जा रहा है? हेलो, अच्छा अलग सा वो बाय 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 बाय. तो है गाइस, तो अभी हम लोग वापस तीन अली पहुंच चुके हैं, और यहां से फिर पैदल चलना होगा हमें एक किलोमीटर दो किलोमीटर. सो गाइस अभी हरिंग वापस पहुंच गए हैं. सो गाइस वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे तो हम लोग खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, और सोने वाले हैं गाइस. तो शेयर जरूर कीजिएगा. क्या शेयर कीजिएगा ना? हाँ, हम भी कर दिया सब्सक्राइब, चिंता मत करो. तो गाइस वीडियो इतना में ख़त्म होता है, और हम अभी चलने वाले हैं वापस घर की ओर, और वहाँ पर कुछ खाएंगे. यार बहुत थक गए हम, पैदल ही चलते आ रहे हैं गाइस आगे से. सो
अभी कुछ ब्रेक कर लेते हैं, टाइम रेस्ट कर लेते हैं हम लोग, तो तब तक बाय बाय।